हेलो गाइस, दिस इज कैसे एंड वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल मिक्सअप। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम अपने मोडेम से किसी को ब्लॉक किस तरह करेंगे। इनसे पहले वीडियो में हमने बात की थी कि हम आईपी एड्रेस किस तरह चेंज करेंगे और आईपी एड्रेस हम मालूम किस तरह करेंगे, और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम किसी को ब्लॉक किस तरह करेंगे। दोस्तों, स्टार्ट होने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। सो गाइस, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं आईपी एड्रेस फाइंड करता हूँ। हमारा जो आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस हो गया, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और गूगल क्रोम पर इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट किया, गया। अब यहाँ से हमसे यूज़र नेम मांग रहा है, तो यूज़र नेम हमारा क्या है, एडमिन है, तो ये एडमिन हो गया। और यहाँ पर पासवर्ड, आप लोग का जो भी पासवर्ड है यहाँ पर टाइप करें, इसके बाद लॉगिन, तो ये इंटरफेस आ गया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर डिवाइस इन्फो है, मैं इसको ओपन करता हूँ। इसके बाद ये हमारा ये इंटरफेस आ गया। इसके बाद यहाँ पर DHCP, ये आप लोग देख रहे हैं, मैं इसको ओपन करता हूँ। अब ये इंटरफेस आ गया। अब यह हमें क्या बताता है, यह हमें यह बताता है कि अभी इस PTCL मॉडेम पर इतने यूज़र लॉगिन है। दोस्तों, इतने यूज़र लॉगिन है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ब्लॉक करनी है तो सिर्फ यहाँ से जो मैक एड्रेस है उसको यहाँ से कॉपी करें। फर्ज करें मैं, यह हमारा मोबाइल नहीं है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसके आईपी मैक एड्रेस को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। और यहाँ पर वायरलेस ऑप्शन है, मैं इसको ओपन करता हूँ। इसके बाद और यहाँ पर मैक फिल्टर, इसको ओपन किया। अब यहाँ पर ये आ गया हमारे साथ, यहाँ पर ऐड ऑप्शन दिख रहा है, मैं इसको ओपन करता हूँ। इसके बाद मैं उसी मैक एड्रेस को यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। पेस्ट किया, आप अप्लाई सेव, तो यहाँ पर ये 5-6 सेकंड लेता है, इसके बाद ये ब्लॉक हो जाएगा। तो गाइस, ये ब्लॉक हो गया। इसके बाद ये इंटरफेस हमारे साथ आ गया। अब ये हमें क्या शो करता है, यह हमें शो करता है कि ये यूजर अब ब्लॉक हो गया। इसको आप लोग रिमूव भी कर सकते हैं, यहाँ पर चेक लगाकर इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप किसी को भी ब्लॉक कर सकते हैं।